नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 43 स्क्वायर प्लस 841 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 1465 और ऑप्शन दिए गए हमें 15, 65, 45, 35, 25। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन पर रूट डिजिट मेथड अप्लाई करूँ तो 43 स्क्वायर का रूट डिजिट 43 मल्टीप्लाई 43, मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ, प्लस 841 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 1465। ठीक है, अब 4 प्लस 3 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 7 7 मल्टीप्लाई 7 49 7 7 का 49, अब 4 प्लस 9 13 1 प्लस 3 4 यानी कि 43 का रूट डिजिट है हमारे पास 4 प्लस 8 प्लस 4 12 12 प्लस 1 13 13 1 प्लस 3 4 क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 5 5 प्लस 6 11 11 प्लस 5 16 1 प्लस 6 7। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इस साइड का जो सम है वो 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 7। अगर मुझे दोनों साइड को इक्वल करना है तो मुझे 7 में 1 रूट डिजिट नंबर ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों साइड को मैं बैलेंस कर सकूं, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर को ऑप्शन साथ बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 15, 1 प्लस 5 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 7 16, 6 1 प्लस 6 7, 8 इज इक्वल टू 7, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 65, 65 6 प्लस 5 11, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 7 11, 1 प्लस 1 2, 8 इज इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट ऑप्शन है 45, 4 प्लस 5 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16, 1 प्लस 6 7, 8 इज इक्वल टू 7, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 35, 3 प्लस 5 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 प्लस 4 10, 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 7 8, 8 इज इक्वल टू 8, यस इट्स पॉसिबल। नेक्स्ट ऑप्शन है 25, 2 प्लस 5 7, 7 का स्क्वायर 49, 4 प्लस 9 13, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 7 11, 1 प्लस 1 2, 8 इज इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की जगह हमारे पास आएगा 35, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की जगह आएगा 35। तो हम इस तरह से रूट डिजिट मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड इजी तो है लेकिन लेंथी है, टाइम टेकिंग है, क्योंकि आपको सम करना है, देन फिर सम करना है और आपको सिंगल डिजिट फाइंड आउट करना है ना। तो इसलिए ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है और इजी बेशक से है लेकिन टाइम टेकिंग रहेगा ये आपके लिए। मैं आपको ये कहूँगी कि आप यूनिट डिजिट मेथड के साथ ही जाइए, ठीक है। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इसके साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।